नमस्कार भैया बहनी, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। बड़ी खबर में आई, विश्वविद्यालय थाना के नियरे एमबीए कॉलेज के सामने गायत्री नगर मोड़ के लगे युवक के शव मिला। एक साथ है अपराधी नए साल में ही हत्या का अंजाम दई के पुलिस प्रशासन खातिर नई चुनौती दिन हवे। अपने को बताया दी कि युवक के नाम प्रकाश उर्फ पिंटू हवे, जे बघवार के जाने माने ट्रांसपोर्टर भानु प्रताप सिंह के बड़ा लड़का है। जरीबा माँ गायत्री नगर में बने मकान में राहत रहे माँ। आज भी हमने उनका शव गायत्री नगर मोड़ में मिला। तो गाड़ी आज उठा के सीधे ले जाएंगे। आप गाड़ी रास्ते पुलिस को अभी करीब 11 बजे के आसपास सूचना मिली थी विश्वविद्यालय पुलिस को कि ऐसा ऐसा एक शव पड़ा हुआ है। पुलिस ने आके मौके पे देखा, पतासाजी की आसपास के लोगों से पूछताछ की। शव काफ़ी छद्मविशत था, उसको कुछ घरेलू चाकू से और उसके बाद पत्थर से सिर में चोट पहुंचाकर उसकी हत्या की गई है। और बाद में बहुत सारे लोगों के देखने के बाद और परिजनों को खबर मिली तो ये निकल के आया कि व्यक्ति का नाम प्रकाश और पिंटू है, जो गायत्री नगर कॉलोनी में अपनी पत्नी और एक बच्ची के साथ में किराए से रहता है। बघवार सीधी का रहने वाला है। एक ट्रक है इसके पास में जिसको ऑपरेट करता है। और जानकारी लगने पर पुलिस को पता लगा कि अपने एक मित्र के साथ में कल रात में इसने नव वर्ष की कुछ पार्टी वगैरह मनाई, वहाँ से निकला था ये गाड़ी लेके, i10 गाड़ी थी इसके पास। और इसके बाद यहाँ पर इसके साथ जो भी घटनाक्रम हुआ इसके बारे में पुलिस ने प्रकरण अपने संज्ञान में ले लिया है। पुलिस उसकी जाँच कर रही है, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बरामद हुआ है, कैसे कहाँ पहुँचे थे, क्या करने आए? प्रकाश सिंह पिंटू नाम है, मेरे कैसे लड़के हैं। अभी हमको सुबह ही पता चला कि मतलब एक फोन आए थे तो है क्या हमारे कैसे लड़के हैं कि वहाँ जाओ देखो कि फिर ऐसा घटना घट गई है, मर्डर हो गया है। तो हम लोग वहाँ पहुँचे देखे थे, अस्त व्यस्त दिक्कत अलग है, तो मेरे पास सब नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? बेसिकली बघवार के, जो मेरे साथ थे 10:30 बजे मेरे से अलग हुए थे। फिर कहाँ, उसके बाद फिर किसी का पता नहीं, काम रात तक उनकी बाइक परेशान थी। किसी पे शक आप लोगों को, कहीं कोई पुरानी रंजिश किसी से? एक्चुअली मैं अभी कुछ समय से हम बहुत उनके ये क्लास से बातें नहीं करें, क्या क्रियाकला है, क्या चल रही है, तो अभी कुछ हम कह नहीं सकते। काम क्या करते हैं ये ऐसे? काम थोड़ा थोड़ा चलवा सकते। नाम क्या था इनका? नाम क्या था इनका? प्रकाश। थैंक यू। बुलेटिन की अगली खबर में आई, नए साल के जश्न वो समय माता में बदलेगा जब सुहागी के पहाड़ में देव कोठार बौद्ध स्तूप में जश्न मनावे गए युवक के पैर फिसला और जाए के 200 मीटर गहरी खाई में गिरका। अपने को बताया दी कि ये पिकनिक मनावे खातिर रीवा से 8 लड़कियों के टोली गई रही हवे, जहां युवक के पैर फिसला और जाए के 200 मीटर गहरी खाई में गिरका हवे। पुलिस शव का निकाले में जुटी है, जहाँ पर गढ़ थानों के पुलिस और सुहागी पुलिस मौजूद ही पे। अपने को बताया दी कि यह घटना रही देवर कोठार बौद्ध स्तूप में। सिखन के 10वां गुरु के जन्मोत्सव के उपलक्ष में ही उनके त्याग और बलिदान के याद में रीवा में शोभा यात्रा निकाली गई। अपने को बताई दी कि ए दिना का प्रकाशोत्सव के नाम पर मनावा जात हवे, जो उनके आगामी 9 जनवरी का हर्षोल्लास के साथ मनावा जाए। वहाँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख्य सेवादार और अध्यक्ष प्रतिपाल सिंह भाटिया बताएं कि समिति के शोभा यात्रा गल्ला मंडी से हुई के सिविल लाइन थाना के सामने से लय के जय स्तंभ से और फिर पुन के प्रकाश चौराहा हॉस्पिटल चौराहा से हुई के गल्ला मंडी पर जाके समाप्त हुई। अपना का दिखाई शोभा यात्रा के झलकी और सुनाई थे कमेटी के अध्यक्ष का बताए। जनवरी को 10वें पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मोत्सव है, जिसे हम प्रकाश उत्सव कहते हैं। उसी उपलक्ष्य में आज ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि 10वें पिता हमारे 10वें गुरु थे, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए न केवल इंदौर के साईं बाबा के नाम से प्रसिद्ध दिवंगत गुरु हरिकिशन दास साहब के जन्मदिवस रीवा में मनावा जा रहा है।
अपना बता दी कि कार्यक्रम के आयोजन गंगवानी परिवार आयोजित करत हमर जो उनके एहू साल उनके 97वें जन्मोत्सव का मनावा जा रहा है जहां सिंधु भवन माही भजन और भंडारा के आयोजन की इनका हवे देखी कार्यक्रम के झलकिया। आज का जो कार्यक्रम है वो हमारे इंदौर के साईं बाबा माने जाने वाले हमारे संत श्री हरकिशन दास साहब जी का 97 जन्मोत्सव रीवा में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को हमारे रीवा में गंगवानी परिवार धर्मपाल गंगवानी गिरधारी लाल गंगवानी मनोहर लाल गंगवानी स्वामी हरकिशन जी हमारे इंदौर के रहने वाले थे और वो इंदौर के साईं बाबा के नाम से फेमस है। वहाँ पर उनका आश्रम बना हुआ है। आज भी उनकी जो है उसी श्रद्धा से पूजाते हैं। वो हम लोग के वैसे देह रूप में नहीं है लेकिन वो हम लोग के हमेशा दिल में रहते हैं और हम लोग उन्हीं का ही जन्मोत्सव हर साल अवतरण दिवस मनाते हैं। हम लोग इस बार 97वें अवतरण दिवस मना रहे हैं और हम लोग विगत 8 वर्षों से ये उनका गुरु जी का अपना जन्मोत्सव मनाते हैं यहाँ सिंधु भवन में। सभी लोग को भोग साहब ये सब बालक मंडली बुला के उनका भजन संध्या होती है और इसके बाद आम भंडारा होता है। तब पे भैया बहने आज के लाने इतना ही। बघेली समाचार खातिर देखत रही हमारे विंध के बघेली समाचार। नमस्कार।